तो पिछले वीडियो में मैंने इस डैशबोर्ड को कोड करने की कोशिश किया है, इसने बनाया हुआ है, और ये पावर बीआई पे इसको मैं एक्सेल पे बना रहा हूँ। तो इसमें हमने इसका स्ट्रक्चर तैयार कर लिया। अब इसके अंदर जो ए आप ऑप्शन दिख रहे हैं ना, मुझे यहाँ पे टोटल्स वगैरह करनी है, ये तैयार करना था। तो कैसे करें, तो इसके लिए हमने यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सी थ्री में क्या है कि ये ऊपर से लाइनिंग का गैप है, ठीक है, और ए बीच में आपको दिखाए इस तरह से कलर्स हैं। तो एक हमने यहाँ से कॉलम को छोड़ा, कॉलम थोड़ा बड़ा है तो इसको हम छोटा कर देते हैं, छोटा बस और छोटा। उसके बाद मैं यहाँ पे दो रो एंड स्क्वायर फॉर्मेट में हम ले लेते हैं यहाँ पे, और इसकी जो बैकग्राउंड कलर है वो बैकग्राउंड कलर हम शेड में लेके चलते हैं कि हम यहाँ से यहाँ ये सही ले लिया। अब इसकी जो बॉर्डर है ना, इसको कॉपी किए, इसी के ऊपर हमने यहाँ पे इसको पेस्ट किया, बट इसकी कलर थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, एक कम, देन वापस इसको पेस्ट, इसको वापस कॉपी कीजिए, वापस पेस्ट किया यहाँ पे, और इसकी जो कलर है इससे एक कम, फिर कॉपी किया यहाँ पे पेस्ट किया, इसकी कलर जो है इससे भी एक कम यहाँ पे ले लिया, देन कॉपी किए यहाँ पेस्ट किया, और इसकी कलर को मैं यहाँ पे नहीं, यहाँ से लेके चलता हूँ, ज्यादा डार्क है, लाइट लाइटर देन लाइट, हाँ इसको लिया, देन कॉपी किए यहाँ पे, इसको पेस्ट करते हैं हम, और इसको मैं यहाँ पे ए वाली कलर, तो कितने हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7, और हमने कितने किए, 1 2 3 4 5 6, तो एक और चाहिए, एक और के लिए हमने यहाँ पे ये ले लिया लाइट, इधर सेट बनाता हुआ चला गया, 7 हो गया, और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि इसके नीचे तक है, तो मतलब कि बीच में से मुझे कुछ रो कम करने हो, कुछ रो कम करने हो, हमने कुछ ज्यादा ले लिया बीच में, बड़ा जो है बीच में ज्यादा ले, तो इसलिए हिसाब किताब बढ़ाना चाहिए कि यहाँ पे हमने दो कॉलम लिए हैं बाकी रो लिए हैं, तो कुछ नहीं, इसको हम यहाँ से छोटा कर देते हैं, फिर इसको यहाँ से छोटा करते हैं, और ये चीज जो यहाँ है पर इसको उठा के यहाँ लाते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा, बस सेट करना पड़ेगा, अब सही है, बस और नीचे कर दीजिए ताकि गैप हो जाए, लुक परफेक्ट है। और इसके लिए यहाँ पे आते हैं सेव फॉर्मेट में, और एडिट सेव पॉइंट में इसकी पॉइंट को थोड़ा सा और यहाँ से इस तरह से हम बढ़ा दें, पूरा तिरछा लगे, परफेक्ट है, हो गया। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, इस तरह का सिंबल, ए सिंबल है, सिंबल व्हाइट कलर का सिंबल है, तो ये सिंबल भी हम एक्सेल में ला सकते हैं, इंसर्ट में आइए और यहाँ पे आपको आइकन दिखेंगे, आइकन है, मॉडल्स है, उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे, लेकिन इसके लिए ध्यान रखिएगा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए।
इंटरनेट का कनेक्शन आना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे आइकन्स आपको दिख रहे हैं, आइकन से कटआउट पीपट है, इमेज है, इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन में देखिएगा आपको इलस्ट्रेशन दिख जाएगा। तो ये अलग अलग यहाँ से लेके आ सकते हैं, स्टिकर्स हैं, ये आपको कटआउट पीपल है, ये आपका आइकन्स है। तो यहाँ आइकन्स ही सही रहेगा, आइकन्स में हम यहाँ पे पैलेट सर्च है तो यहाँ पे हम कस्टमर करते हैं, कस्टमर। तो ये रहा कस्टमर का आइकन, सही है, इसको लिया हमने एंड इंसर्ट, और इसको उठा के मैंने यहाँ रखा। और इसकी जो बैकग्राउंड कलर है, ये जो इसकी जो कलर है, एक ये यहाँ पे ग्राफिक्स के अंदर में इसकी जो आउटलाइन है इसको करना होगा व्हाइट, और इसकी जो फिल कलर है इसको भी कर देते हैं व्हाइट। तो ये आ गया हमारा व्हाइट यहाँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है सेल्स, सेम यहाँ पे इमेज पे आते हैं और आइकन, यहाँ पे हम करते हैं सेल्स, नहीं सेल्स नहीं, शॉप बास्केट को चाहिए ना, तो ये बास्केट सही है, इसको बास्केट को उठाते हैं यहाँ पे इंसर्ट, इसको यहाँ रखते हैं। और इसकी जो बैकग्राउंड कलर वाइट है, और ये भी वाइट तो है ही, छोड़ देते हैं वाइट। देन यहाँ पे अगला आइकन है बॉक्स, तो यहाँ पे हम आइकन में आते हैं, बॉक्स बॉक्स ले लीजिए, ये भी सही चलेगा थोड़ा सा, ये ठीक रहेगा, इसको बन लीजिए जो है वो थोड़ी करने, अपने हिसाब से भी थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं कि क्या होगा। इसकी बैकग्राउंड वाइट कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपका ये डिलीवरी है, तो हम यहाँ इंसर्ट पे आते हैं आइकन, वैन यहाँ पे शॉप सही था, नहीं शॉप नहीं है, कस्टमर सेल्स, और यहाँ पे इसकी कलर व्हाइट रख आगे। उसके बाद यहाँ पे आता है सिपिंग सिप, और यहाँ पे सेम आता है आइकन में यहाँ पे लेते हैं सिप,
सी भी जा रहेगा। लिए कलर व्हाइट कर दिया। देन अगला आता है रेवेन्यू, तो इंसर्ट करते हैं आइकन, हमने रेवेन्यू लिया। कॉच साइज लो पीच, माउंट प्राइस रैंक भी सही रहेगा। भी बैकग्राउंड कलर व्हाइट कर दे। और लास्ट में यहाँ हम सिंबल लेते हैं किसका, रूबीज का प्रॉफिट का प्रॉफिट। तो इसको भी ले सकते हैं, ये सही रहेगा, इसी को ले लेंगे। सही है, तो हमने यहाँ पे कर लिया। अब इसके नीचे जो है मुझे इसका क्या करना है, या नीचे इसका देना है कि टोटल ऑर्डर टोटल कस्टमर जैसे चीजें देनी। तो यहाँ पे इसको लेते हैं, मर्ज करते हैं, मर्ज यहाँ हो गया हमारे टोटल कस्टमर। इसकी कलर हम कर देते हैं वाइट, बैकग्राउंड इसकी टेक्स्ट कलर को वाइट करते हैं, बोल्ड करते हैं, कॉपी कर यहाँ पे मिडल करते हैं, कॉपी करते हैं यहाँ पेस्ट करते हैं ऊपर में, पेस्ट 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 यहाँ टोटल कस्टमर टोटल यहाँ पे हम करते हैं टोटल ऑर्डर टोटल ऑर्डर ऑर्डर करते हैं यहाँ पे टोटल सिप। बॉक्स ये टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी अब डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पे शिपिंग कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट यहाँ पे टोटल सेल्स एंड टोटल प्रॉफिट। अब इसमें मुझे हल्का सा बैकग्राउंड ये चाहिए, एक सैप मैं यहाँ से लेता हूँ, यहाँ अब इसकी जो कलर है ना कलर को तो मैं लूंगा ए वाली कलर जो है इसी को लूंगा,
नीचे वाले, ये सही है, ब्लैक ही लेता हूँ, टोटल ब्लैक। अब इसकी राइट क्लिक करके मैं सेव फॉर्मेट में आऊंगा, फिल में आऊंगा। फिल में यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है, इसकी ट्रांसपेरेंसी को मैं बढ़ाते जाऊंगा, पीछे का डेटा आपको दिखता रहेगा। इसका बॉर्डर हटा देते, लाइन हटा देते, लाइन जरूरत नहीं। बिल्कुल दिख रहा है शिपिंग कॉस्ट वगैरह, थोड़ा सा और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाइएगा। इस तरह से आपको देखिए, तो एक चीज हमने कर ली। उसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं कि ये है हमारे पास पिक्चर्स के लिए, तो इसके बुक फॉर्मेट, इसके बाद ये लाइनिंग है हमारा, जिसमें हम अपने एक क्या रखेंगे, अपने टोटल स्लाइसर वगैरह रखेंगे। तो इसको भी मैं यहाँ से देता हूँ और यहाँ तक दो लाइन, दो नहीं तीन लाइन लेता हूँ। इसकी कलर हम यहाँ से ब्लू कर देते हैं, क्योंकि ब्लू है ऊपर तो नीचे भी ब्लू रहेगा, सही रहेगा। इसकी भी कलर, ये जो है पूरे की कलर ब्लू कर दीजिए, तीनों कलर, शेप फॉर्मेट, शेप कलर और मैंने ब्लू। एंड नाउ नीचे जो हम रखेंगे अपना डेटा रखेंगे, तो यहाँ हमारा फॉर्मेटिंग का काम खत्म हो। अब इसी चीज को आगे हम करेंगे, बाकी काम करेंगे, क्योंकि डेटा से डेटा यहाँ पे मैनिपुलेट हो। तो यहाँ पे मेरे पिक्चर वाला पार्ट जो है वो हो गया खत्म, मतलब यहाँ हमने अपना जो ग्राफिक है वो ग्राफिक को कर लिया खत्म। थैंक यू।